Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, टेस्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर IBPS, PO और क्लर्क, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पज़ल का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पज़ल की हमने अभी शुरुआत ही की है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जो लोग पज़ल के लिए, जिन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है, वो लोग हाउ टू मास्टर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट नाम का एक पहले सेशन लिया हुआ है, जिसमें पजल के सारे बेसिक्स डिस्कस किए हुए हैं, तो वो सेशन देख लेना, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा हुआ है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रायंगुलर पजल, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप सबकी तरफ से। मुझे मेल पे मेल मिल रहे थे कि ट्रायंगुलर पजल करवाओ, इसके बाद अनसर्टन वाला भी बहुत डिमांड में है। तो कल के सेशन में हम अनसर्टन नंबर ऑफ लोगों की पजल करेंगे, देखेंगे अगर लोग ही फिक्स नहीं है तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक, आज के सेशन में दो पजल्स रहेंगी, एक पजल रहेगी रेक्टेंगुलर बेस्ड और दूसरी पजल हमारी जो नेक्स्ट पजल रहेगी जो रहेगी ट्रायंगुलर बेस्ड। ट्रायंगल में भी थोड़ा और वेरिएशन लिया है। ट्रायंगल में यहाँ पे हमने लिया है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड फेसिंग होगा ट्रायंगुलर पजल में। ठीक है, ट्रायंगुलर पजल में थोड़ा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होगा, तो सारी की सारी चीज़ें जो इनवर्ड आउटवर्ड फेसिंग है और कैलकुलेशन है, देखना कि आप सब लोग ये आसानी से टाइम के अंदर टैकल कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर, ये लाइव है धीरज सेना जी, सेशन लाइव चल रहा है। ओके, चलो, अनसर्टन नहीं होता, धीरज जी कह रहे हैं अनसर्टन नहीं होता, तो कल के सेशन में हम अनसर्टन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमने पजल पे प्रैक्टिस टाइम में करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आज भी हमारे पास टाइमर रहेगा। रेक्टेंगुलर पजल के लिए 2 मिनट का टाइम रहेगा और ट्रायंगुलर पजल के लिए 3 मिनट का टाइम रहेगा। ओके, राजा जी, मैंने मेल का रिप्लाई किया है, ठीक है, एक बार चेक करना, स्पैम में गया होगा, मैंने आपके मेल का रिप्लाई दिया है। ओके, चलो, तो पहले आपके स्क्रीन पर हिंदी में पजल आएगी, जिनको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम चलेंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर, उसके ऊपर टाइमर रहेगा। ओके, उससे पहले जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, जल्दी से अपने सारे ग्रुप्स में सेशन को शेयर कर दो, ताकि ये जो नए टाइप के पजल्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। रेक्टेंगुलर पजल इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, कोशिश करना कि आपको वो दोबारा सॉल्व करना ना पड़े। मैं फिर से कह रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले ही, रेक्टेंगुलर पजल इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, कोशिश करना कि आपको वो दोबारा सॉल्व करना ना पड़े। ओके, चलो, तो सर पहली स्लाइड दिखाना प्लीज। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए। जी अभिजीत जी, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए पजल ली है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड विद टाइमर। चलो, सेशन को देखने वाले लोग जल्दी से पजल सॉल्व करो। बाबा साहेब श्री राम जी, मैं पुणे में रहता हूँ पर हमारा सारा ऑपरेटिंग मुंबई से चलता है, तो मैं फिलहाल मुंबई में हूँ। ओके,
आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लासेस जल्द ही चालू होगी। अरविंद जी, हिंदी में क्वेश्चन पहले दिखाया था, थोड़ा सा बैक लेंगे आप सेशन को तो वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हिंदी में। लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास, जिन्होंने भी सॉल्व किया है डन करके लिखना यहाँ पर। दिनेश जी थैंक यू, चलो टाइम अप, स्लाइड हटाना सर। ओके चलो, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टेबल दिया था और उसके बाजू में 8 लोग बैठे थे, रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड 8 लोग, 8 लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद थी, डेजर्ट्स पसंद थे उनको कुछ तो, ठीक है। अब देखो ये पजल बहुत आसान थी, मैंने क्या कहा था आसान थी, पर आखिरी में जाके आप में से कितने लोगों को लगा कि पहले हमने जो किया उसको शायद थोड़ा अलग करना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा, पजल इजी थी बट थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास यहाँ पर तो हमें इसको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही ट्रिक देखेंगे अब हम यहाँ पर। चलो दीक्षा मान जी कह रही है डन, मेघा जी कह रही है डन, ओके ग्रेट। जिन्होंने भी अब तक सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट स्लाइड सर, ओके। यहाँ पर इस स्लाइड पर पजल की सिर्फ कंडीशंस है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा हुआ है, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना बेस चूज कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर टेबल, 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग कॉर्नर पर, 4 लोग साइड पर, तो हमने बेस बना लिया हमारा, ठीक है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, ओके, सोनिया शर्मा जी भी कह रही है डन ग्रेट। तो बेस बना लिया, सबका फेसिंग अंदर की तरफ है तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है नहीं। अब देखो स्क्वायर के ये वाले पैटर्न में सब लोगों का फेस अंदर की तरफ है, तो पोजीशन की 2 कैटेगरीज है हमारे पास, एक वो पोजीशन है जो साइड पर बैठे हैं और एक वो पोजीशन है जो कॉर्नर पर बैठे हैं। ये दोनों अलग अलग पोजीशन है, ये पहले से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमें दिया था एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के तीसरे राइट में एफ बैठता है, ओके okay? अब देखो आई कहां पर लेंगे इन 8 में से, कहीं पर भी ले सकते हैं। पोजीशंस की कितनी कैटेगरी है हमारे पास, 2, कौन सी, एक है साइड पर बैठने वाली पोजीशन और दूसरी है कॉर्नर वाली, ठीक है। मान लो मैंने आई को यहां पर लिया, आई साइड पर भी हो सकता था कॉर्नर पर भी हो सकता था, ठीक है। 2 केसेस कंसिडर करने की वजह मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही केस कंसिडर करेंगे, ठीक है, फिर आखिरी में जाके इसको कैसे रिजोल्व करना है ये देखेंगे, ओके okay? चलो तो I के तीसरे राइट में F बैठता है, पहला दूसरा और तीसरा राइट, यहां पर कौन आ जाएगा, F, ओके। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, F जो था I के तीसरे राइट में और K के तीसरे लेफ्ट में था, ठीक है। अब K के तीसरे लेफ्ट में मतलब 1, 2, 3 यहां पर K आना चाहिए था, K का तीसरा लेफ्ट लेंगे तो यहां पर F आ जाएगा, ठीक है। I के तीसरे राइट में और K के तीसरे लेफ्ट में F, तो पहली लाइन हमने यहां पे रिलेट कर दी है, ओके ओके। रजत सिंह जी, आपको अगर कोर्स पास से रिलेटेड कोई भी इशू है, ओके कोई भी इशू है तो आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल पजल पे ध्यान दो, द पर्सन हु लाइक्स चीज केक इज द नेबर ऑफ जे, पॉइंट क्या दिया था, जिसको चीज केक पसंद है वो जे का नेबर है, जे के बाजू में जो भी बैठा हुआ है उसको चीज केक पसंद है, चलो ठीक। आगे हमें दिया था द पर्सन हु लाइक्स वैफल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, जिसको वैफल पसंद है वो एफ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, एफ अंदर की तरफ देख रहा है तो एफ का सेकेंड राइट ये हो जाएगा, एफ का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहां पर जो भी बैठेगा उसको क्या पसंद होना चाहिए था, वैफल, ठीक है। और क्या दिया था, द पर्सन
Who likes waffle sits second to the right of F and second to the left of L. L के second left में ये वाला person होना चाहिए, तो एक दो यहाँ पर कौन आ जाएगा? L. यहाँ पर L आ गया, तो L के second left में waffle हो जाएगा. ठीक है, point relate कर दिया. आगे हमें दिया था, the person who likes apple pie is the neighbor of the one who likes waffle. जिसको apple pie पसंद है, वो उस person का neighbor है, जिसको waffle पसंद है. तो apple pie हम यहाँ पर consider कर सकते हैं. ठीक है, या फिर apple pie हम यहाँ पर consider कर सकते हैं. वैफल के बाजू में एप्पल पाए, पर कौन से बाजू में, ये क्लियर है क्या? नहीं, दो केसेस बन रही है. ठीक है, अलग केस तब जाके बनाएंगे जब एप्पल पाए की वजह से और कुछ कंफ्यूजन होगा. ठीक है, आगे देखो क्या दिया है हमें. द हु लाइक्स एप्पल पाए इज द नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स वैफल. के लाइक्स पडिंग. के को क्या पसंद है? पडिंग पसंद है. तो एप्पल पाए यहां पर नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आ रहा है पडिंग. एप्पल पाए यहां से कैंसिल हो गया, तो एप्पल पाए की जगह फिक्स हो गई. ठीक है, एप्पल पाए यहां नहीं आ सकता था, एप्पल पाए के पास सिर्फ दो ही जगह थी. यहां से कैंसिल हो गया, मतलब एप्पल पाए यहां पर आ जाएगा. एप्पल पाए फाइनल. ठीक है, आगे क्या दिया है देखो. द पर्सन हु लाइक्स कस्टर्ड एंड सॉर्बेट आर नॉट द नेबर्स ऑफ द पर्सन हु लाइक चेरी एंड पडिंग. ठीक है, पॉइंट क्या दिया था, जिनको चेरी और पडिंग पसंद है, उनके बाजू में कौन कौन नहीं बैठ रहा है? सॉर्बेट और कस्टर्ड वाले लोग नहीं बैठ रहे हैं. ठीक है, कस्टर्ड जिसको पसंद है वो उनके बाजू में नहीं आना चाहिए, और जिसको सॉर्बेट पसंद है वो भी इन दोनों के बाजू में नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब देखो, पडिंग यहां पर है, चेरी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, एप्पल पाई यहां पर फाइनल हो चुका है. आगे की कंडीशंस पढ़ते हैं हम, क्या दिया है. F likes cherry pie. ठीक है, F को क्या पसंद है? चेरी पाए. तो यहां पर चेरी पाए आ जाएगा. ठीक है, इसके बाजू में यहां पर कस्टर्ड और सॉर्बेट नहीं आने चाहिए थे. कस्टर्ड और सॉर्बेट यहां पर नहीं आना चाहिए और यहां पर नहीं आना चाहिए. तो कस्टर्ड सॉर्बेट के लिए हमारे पास सिर्फ यही दो जगह बचेगी. ठीक है, ये पॉइंट क्या था, चेरी और पडिंग के पास कस्टर्ड और सॉर्बेट नहीं चाहिए. चेरी यहां पर है तो यहां पर तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, एप्पल आ चुका है. यहां पर कस्टर्ड सॉर्बेट नहीं आ सकता. ठीक है, और पडिंग के बाजू में यहां पर आने का सवाल ही नहीं था, यहां पर कस्टर्ड सॉर्बेट नहीं आ सकते. कस्टर्ड सॉर्बेट के लिए हमारे पास सिर्फ ये दो जगह बची. आगे हमें दिया है, आई लाइक्स कस्टर्ड. आई को क्या पसंद है? कस्टर्ड पसंद है. ठीक है, आई को कस्टर्ड फाइनल हो गया, तो यहां पर सॉर्बेट फाइनल हो जाएगा. है ना, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कस्टर्ड और सॉर्बेट पाए आएंगे तो यही दो जगह पर आएंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. जी डज नॉट लाइक एप्पल पाए. जी को क्या पसंद नहीं है? एप्पल पाए पसंद नहीं है. अब जी के लिए जगह कौन कौन सी खाली है देखो, एक दो तीन चार जगह खाली है. ठीक है, चार में से जी कहीं पर भी आ सकता है, पर एप्पल पाए की जगह हमें जी को नहीं लेना है. ठीक है, आगे हमें दिया था, जी डज नॉट लाइक एप्पल पाए वाफल एंड सॉर्बेट. ओके, तीन चीजें पसंद नहीं थी, एप्पल पाए नहीं पसंद था, वैफल नहीं पसंद था और सॉर्बेट नहीं पसंद था. चार में से तीन जगहों पर जी नहीं आएगा, तो जो बची है वो चौथे जगह पर जी आ जाएगा. ठीक है, आगे हमें दिया है, एम डज नॉट लाइक एप्पल पाए. एम को क्या पसंद नहीं है? एप्पल पाए पसंद नहीं है. तो यहां पर एम नहीं आएगा. ठीक है, एप्पल पाए के जगह पर कौन नहीं आना चाहिए? एम नहीं आना चाहिए. एम सिट्स एट द कॉर्नर. ठीक है, एम कहां पर बैठता है? कॉर्नर पर बैठता है. अब देखो, यहां पर कॉर्नर पर एम अगर लेने जाएंगे, कॉर्नर पर एक ही जगह खाली है. यहां पर कॉर्नर पर क्या है? एक ही जगह खाली है. अब क्या करेंगे? गड़बड़ हो गई ना यहां पे, आखिरी में आके सारी गड़बड़ हो गई. अब तक सारी चीजें सही चल रही थी. ठीक है, चलो अब देखो, मैं ये बोल रहा था कि यहां पर एप्पल पाई के जगह एम आ गया, ये गड़बड़ हो गई. क्या हुई गड़बड़? शुरुआत में हमने एक चीज स्किप की थी, अगर आपको याद है. आई या तो साइड पर हो सकता था या फिर कॉर्नर पर हो सकता था. अब क्या इसके लिए दोबारा से करें क्या? नहीं. क्या करना है मैं बताता हूं. ये जो भी चीज है ना, आई को एक प्लेस शिफ्ट करेंगे. क्या करेंगे? आई को एक प्लेस शिफ्ट करेंगे तो वो साइड पर आ जाएगा. अब
जिस किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, सारी चीज़ें हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक अलग बेस बना लेता हूँ। ठीक है, आई कॉर्नर पे नहीं चाहिए था, आई हमें चाहिए था सेंटर पे, तो यहाँ पर आई लिख लिया हमने। ठीक है, आई को क्या पसंद था, कस्टर्ड पसंद था, तो आई यहाँ पर आ गया। हमने क्या किया, क्लॉकवाइज आई को शिफ्ट किया एक पोजीशन, वैसे ही अब हम एल को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम के को शिफ्ट करेंगे, के को क्या पसंद था, के को पसंद था पडिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉर्नर पर क्या आ जाएगा, वैफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैफल के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एप्पल पाई आना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एफ़, और एफ़ को क्या पसंद था, चेरी पाई। ठीक है, एफ़ के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, जी, ओके, और जी के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सॉर्बेट। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। ओके, अब हमें एक पॉइंट दिया है कि एम कॉर्नर पर होना चाहिए, अभी हमारे पास एम के लिए दो प्लेसेस बाकी बची है, एम यहाँ पर आ सकता है या फिर एम यहाँ पर आ सकता है, देखना है हमें एम, हाँ ठीक है, एम कौन से पोजीशन पर आएगा। एक ये केस हमारे पास बची, क्या, जे के बाजू में जो है उसको चीज़ पसंद है। अब देखो, मैं ऊपर वाली केस मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो यहां पर जे के पास जो भी बैठेगा उसको क्या पसंद होना चाहिए था, चीज। जे के लिए जगह कितनी खाली बची है, एक दो तीन। ठीक है, अब अगर जे को हम यहां पर कंसिडर करते हैं तो उसके बाजू में चीज ले सकते हैं क्या, हम नहीं ले सकते। ठीक है, जे हमने यहां पर लिया तो उसके बाजू में चीज लिया जा सकता है क्या, नहीं, तो जे यहां पे नहीं आएगा। जे यहां पर लिया उसके बाजू में चीज नहीं आ सकता, जे यहां पर भी नहीं आएगा, तो जे के लिए एक ही जगह बची, जे आ जाएगा यहां पर, और उसको क्या पसंद था, चीज केक। जे फाइनल हो गया। अब एम से रिलेटेड दो कन्फ्यूजन थे हमारे पास, इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर तो जे ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम, आखिरी पर्सन बचा है एच, एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और जो भी दिया था उसमें से एक हमारे पास ये बचा है, ट्रफल। ठीक है, एक डेजर्ट बचा था ट्रफल, और सॉल्यूशन हमें मिल गया है। ठीक है, स्लाइड हटाना सर, आप में से कितने लोगों को ये सॉल्यूशन मिला है जल्दी से बताना। देखो, थोड़ी सी मतलब क्या हुआ था, ये जानबूझकर ये पजल ऐसे ली थी, अगर हम इनिशियली दो केसेस नहीं भी कंसिडर करते तो आखिरी में सारी चीज़ों को रोटेट करके हम अपना सॉल्यूशन ला सकते थे, है ना, तो हमने उस तरीके से इस पजल को टैकल किया है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, एम वैफल फाइनल हो गया। जी बिल्कुल सही है आंसर मेघा जी आपका, स्पाइडी जी ग्रेट, ओके, चलो दीक्षा माने ग्रेट, मेघा जी ग्रेट। चलो अब देखो, पजल हमने सॉल्व कर लिया, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पजल में आप कितने अच्छे तरीके से डेटा दिए हुए कंफ्यूजन को हैंडल कर सकते हैं, इसी के ऊपर आपकी सारी कमांड पजल में बनी रहती है। ठीक है, ओके राजेश जी ग्रेट। तो अब यहां पर जो भी लोग हिंदी में क्वेश्चंस मांग रहे हैं उनके लिए पहले हिंदी में क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगली पजल आएगी हिंदी में पहले दिखेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड सर, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जी सोनिया जी सही आंसर, नेक्स्ट स्लाइड विद टाइमर। देखते हैं आप में से कितने लोग 3 मिनट के अंदर ये पजल सॉल्व करते हैं, इसमें कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व्ड है।
ओके राजा जी, मैं अपना मेल आईडी यहाँ पर फिर से दे दूंगा, ठीक है? चलो पहले पजल सॉल्व करिए सब लोग। प्रतीक जी वेलकम टू टेक्स्ट बुक। राजा जी मुझे आपका मेल अभी मिला है, मैं आपको आज रात तक रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अभी जस्ट आपने मेल किया है 11:50 को। जी अभिजीत जी योर राइट। चलो टाइम अप। ओके, टाइम के अंदर अभी तक किसी ने भी नहीं लिखा है डन। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं और देखते हैं किसको सॉल्यूशन मिलता है। आपको बताना है ई के पास कितने चॉकलेट्स हैं, आपको बताना है ई के पास कितने चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन पर हमारी कमांड होनी चाहिए। जी मेंस के क्लासेस भी होने वाले हैं आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो यहां पर पहला आंसर दिया है स्पाइडी जी ने, क्लॉकवाइज ADFBCE, ADFBCE। ओके, सीक्वेंस तो सही है आपका। ओके, नीलाकृति जी कह रही है ए के पास 50 चॉकलेट्स हैं, देखते हैं हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ई हैव, बताओ। ओके, हमें दिया था, मैं पहले यहां पे थीम समझ लेते हैं हम, ओके, और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जहां पर सिर्फ हमारे पास कंडीशंस रहेंगी। ओके चलो, ई के पास 10 चॉकलेट है, ई के पास 50 चॉकलेट है, देखते हैं आंसर में वेरिएशन आया, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने गड़बड़ की है। ओके चलो, तो यहां पर इंट्रोडक्शन में हमें दिया है, ओके, और एक आंसर आ गया 100 चॉकलेट्स, देखते हैं किसका सही है किसका नहीं है। 6 लोग ट्रायंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, 3 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं, 3 लोग साइड पर बैठे हैं, और उनके पास अलग अलग चॉकलेट्स है 1, 2, 5, 10, 50, 100। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, 1, 2, 5, 10, 50, 100। ओके चलो, तो यहां पर मैं बस नंबर्स नोट डाउन कर लेता हूं क्योंकि हमारे पास अभी स्लाइड्स पर वो नंबर्स नहीं है। 1, 2, 5, 10, 50, 100, ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास इस स्लाइड में नहीं है इसलिए मैंने नोट डाउन किए हैं, नहीं तो एग्जाम में इंट्रोडक्शन पार्ट से हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जितना समझ में आया इंट्रोडक्शन में उतने से हम बेस बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, ट्रायंगुलर टेबल, 6 लोग बैठे हैं। ओके चलो, कंडीशंस पढ़ेंगे और सारी चीजें वन बाय वन सिस्टमैटिकली रिलेट करेंगे। अगर
आप में से किसी को सॉल्यूशन नहीं मिला है तो बने रहिएगा सेशन के आखिरी तक, इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा मैथ समय यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। चलो, पहला हमें दिया था ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ए और ई जो है दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, कहाँ पर बिठाएंगे, कहाँ पर भी बिठा सकते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बनेंगी। अच्छा है, साइड में नोट डाउन कर लो, क्या है, ए और ई जो है वो नेबर होने चाहिए थे, चलो ठीक। आगे हमें दिया था द वन हु हैज टू चॉकलेट्स सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है क्या, जिसके पास दो चॉकलेट है वो टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो टेबल के किसी भी कॉर्नर पर टू वाले को बिठा दो, यहाँ पे ले लिया हमने टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कन्फ्यूजन ये है इसका फेस अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, ठीक है, बट कन्फर्म हो गया टू कॉर्नर पे होना चाहिए, ओके। अभी मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, सुदीप दास जी कह रहे हैं ई 50 है, राधिका जी 50, सोनिया शर्मा 50, ओके, देखते हैं कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट तो हो गए। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, सी और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है और इन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, नोट डाउन कर लिया। आगे हमें दिया था ई एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, ई और बी जो है अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, ई और बी की फेसिंग डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, ठीक है, पॉइंट नोट डाउन कर लिया हमने। आगे हमें दिया है ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैज वन चॉकलेट एंड वन हु हैज फाइव चॉकलेट, जिसके पास एक चॉकलेट है और जिसके पास पांच चॉकलेट्स है उनके बीच में सिर्फ दो लोग बैठते हैं, ठीक है। जैसे ही ये पॉइंट पढ़ा दिमाग में आना चाहिए कि पांच और एक जो है वो आमने सामने होने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बिठाए पांच और एक आमने सामने होने वाले हैं। मान लो पांच हमने यहाँ पे लिया, एक दो छोड़कर एक यहाँ पर आएगा, एक दो छोड़कर एक यहाँ पर, बीच में लिया एक दो छोड़कर उसके सामने, एक दो छोड़कर उसके सामने, ठीक है। तो एक और पांच आमने सामने होने चाहिए थे, ये बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसी में आगे दिया था एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक और पांच के बीच में दो लोग बैठते हैं और दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पॉइंट नोट डाउन कर लिया हमने। आगे हमें दिया था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स ऑफ ए एंड एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ ई, ओके। ए और एफ के पास जितने भी चॉकलेट्स हैं, ए और एफ के पास जितने भी चॉकलेट्स हैं उन दोनों की चॉकलेट्स का प्रोडक्ट किसके चॉकलेट के बराबर है, ई के, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन किया तो तीसरा नंबर जो मिलेगा वो इसी में हो, ठीक है। अब एक का कॉम्बिनेशन किसी के भी साथ करेंगे तो आंसर नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि वो नंबर दो बार आ जाएगा, ठीक है, तो एक हटा देंगे। दो, दो से स्टार्ट करते हैं, दो और पांच का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दस मिलता है, तो चांस पहली केस क्या बनेगी, ई के पास दस चॉकलेट होंगे और यहां पर दो और पांच, ठीक है, दो और पांच कंफर्म नहीं है, ए के पास दो होंगे या पांच होंगे कंफर्म नहीं, बट दो पांच दस का एक ट्रिपलेट बन सकता था। वैसे ही दो का कॉम्बिनेशन दस के साथ करते हैं, दो का पांच के साथ किया, दो का दस के साथ करेंगे कितने मिलेंगे, बीस, बीस है क्या हमारे पास, नहीं, ठीक। दो का कॉम्बिनेशन 50 के साथ करेंगे कितना मिलेगा हमें, 100 है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, ठीक है। तो दूसरी केस क्या हो सकती है, ई के पास 100 चॉकलेट और यहां पर 2 and 50, ठीक है। अब दो का कॉम्बिनेशन 100 के साथ करेंगे तो नंबर है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पांच का कॉम्बिनेशन 10 के साथ करते हैं, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 50 हमारे पास है, तो एक और केस क्या बनेगी इसमें, ई के पास 50 चॉकलेट्स होंगे और ये कॉम्बिनेशन होगा 5 और 10 का, ठीक है। 5 का 50 के साथ 250 नहीं है, 500 नहीं है, तो 5 का कॉम्बिनेशन और किसी के साथ नहीं होगा। 10 into 15 50, 500 नहीं है हमारे पास, इसके आगे जाएंगे तो कॉम्बिनेशंस हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर हमने यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते थे वो निकाल लिए, ठीक है। पजल में कोई भी कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ डिफ़िकल्ट पजल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन का पूरा एनालिसिस उसी टाइम पे आपके पास होना ज़रूरी है।
बाद में करने जाएंगे तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। आगे हमें दिया था, अब लाइन किधर गई, ये प्रोडक्ट ऑफ द, ये हो गया ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, पॉइंट क्या दिया था, ई जो है एफ के तीसरे राइट में बैठता है। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे राइट में ई। चलो पॉइंट नोट डाउन कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द चॉकलेट ए एंड एफ, ये हो गया ए सिट्स, ये हो गया ओके। एफ चॉकलेट काउंट इज फाइव टाइम्स ऑफ डीज चॉकलेट काउंट। ठीक है, एफ के पास जितनी भी चॉकलेट है वो कितनी है, डी के पास जितनी भी है उसके पांच गुना है। एफ चॉकलेट काउंट इज फाइव टाइम्स डीज चॉकलेट काउंट। अब यहां पर डी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, चेक करेंगे। डी के पास अगर हमने एक अज्यूम किया, ठीक है, डी के पास एक है ऐसा हमने मान लिया, तो यहां पर 5d यानी f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। f की वैल्यू 5 ले सकते हैं क्या, हमारे पास यहां पर इन नंबर्स में पांच नंबर मिला हुआ है, तो f के पास पांच चॉकलेट हो सकते हैं। ठीक है, d का एक लिया, d का अगर हम दो लेते हैं, ठीक है, d के पास अगर दो चॉकलेट्स है हम अज्यूम करते हैं, तो f के पास कितने हो जाएंगे, 10। एफ के लिए 10 वैल्यू ले सकते हैं क्या, इसमें जरा ऑब्जर्व करो, हमें यह पता है ना एफ के पास जितने भी चॉकलेट्स रहेंगे वो चॉकलेट्स इनमें से ही कोई ना कोई नंबर होने वाला है। ठीक है, तो एफ के पास 10 चॉकलेट्स हो सकते हैं, तो 2 10 का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, 5। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 5 लिया तो 5 × 5 25 हो रहा है, 25 हमारे पास नहीं। डी के लिए 10 लिया, 10 × 5 50 हो रहा है, एफ के लिए 50 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 10 हो सकती है, डी 10 होगा तो एफ कितना हो जाएगा, 50। आगे बढ़ते हैं, अगर 50 लिया तो नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, 50 और 100 डी के लिए नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये इन्फॉर्मेशन और हमें मिली, कन्फ्यूजन फिलहाल बहुत ज़्यादा है, किसके पास कितने चॉकलेट्स है अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया है इज चॉकलेट काउंट इज 10 टाइम्स ऑफ एज चॉकलेट काउंट। क्या दिया है हमें, इज चॉकलेट काउंट इज 10 टाइम्स एज चॉकलेट काउंट। ठीक है, ई के पास कितने चॉकलेट है, ए से 10 गुना। यहां पर फिर से हमें दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर हमने एक ली, ए की वैल्यू अगर हमने यहां से ये सारी 6 की 6 वैल्यू हमें ट्राई करनी होगी, ए की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, जरा सोचो, ए की वैल्यू होगी तो इनमें से ही कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, है ना, ए की वैल्यू अगर होगी तो इनमें से ही कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, इसमें 1 मिल रहा है क्या हमें, नहीं, तो यहां पर ए के लिए हम 1 कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, 2 कंसिडर करते हैं, ए का 2 कंसिडर किया तो 10 ए कितना हो जाएगा, 20। ई के लिए 20 वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं, तो ए की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। ए की वैल्यू 5 कंसिडर करते हैं, ए 5 कंसिडर किया जा सकता है क्या, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, अगर हमने ए 5 कंसिडर किया तो ई की वैल्यू कितनी हो रही है, 50। ए अगर हम 5 कंसिडर करते हैं तो ई की वैल्यू कितनी हो रही है, 50, चल सकता है, क्या हो सकता है, A5, F10, A50, ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां पर A की वैल्यू 5 और E की वैल्यू 50 ले सकते हैं। आगे भी चेक करना है, आखिरी तक सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। ठीक है, A की वैल्यू 10 ले सकते हैं क्या, A की वैल्यू 10 ले सकते हैं क्या, A की वैल्यू 10 ली तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, अब 100 यहां पर है, E की वैल्यू 100 हो सकती है क्या, हो सकती है, पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ई की वैल्यू अगर 100 हुई, ई की वैल्यू अगर 100 हुई तो ए की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 100 वैल्यू किस कॉम्बिनेशन से आ रही है इस इक्वेशन में, 2 और 50 से। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, जब ई 100 है इसका मतलब यहां पर ये 10 100 वाला कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 10 गया, 50 लिया तो 500 और फिर नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो ये फाइनल हो गया। अब फाइनल क्या हुआ, ए के पास 5 चॉकलेट्स हैं, ई के पास 50 चॉकलेट्स हैं। ठीक, अब ई के पास 50, इसका मतलब ये दोनों केसेस कैंसिल हो गई, ई के पास 50 मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशंस कैंसिल हो गए,
थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर बेस में अभी तक कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बाहर की बाहर ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, तो ए की वैल्यू हमें पता चली है 5, एफ की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी हमें क्या है, एफ की वैल्यू है 10, ठीक है, और ई की 50 हमें यहाँ पर मिल चुकी है। एफ की वैल्यू 10 है तो ये 5-1 वाला कॉम्बिनेशन और ये 50-10 वाला कॉम्बिनेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी थी 10, तो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 2, ठीक है, हमें सबकी वैल्यू मिल गई है। डी की वैल्यू जैसे ही 2 मिलती है, 2 की जगह डी को रख दो, ये याद होना चाहिए, बेस में 2 है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, तो एफ की वैल्यू है हमारे पास ओके, ई की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ठीक है। अब जरा हमें चॉकलेट से थोड़ी सी छुटकारा मिली, अब सीटिंग पर दिमाग लगाएंगे, यहां पर जो भी नहीं पता है वो अब आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं क्या दिया है हमें आगे। द वन हु हैज वन चॉकलेट इज चॉकलेट काउंट, ये हो गया। द वन हु हैज वन चॉकलेट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वन हु हैज 100 चॉकलेट्स। अब इसको कहां पे लिखे, यहां पे जगह है। पॉइंट क्या दिया है, जिसके पास 1 चॉकलेट है और जिसके पास 100 चॉकलेट है, इन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, अपोजिट होनी चाहिए थी, ठीक है। पॉइंट नोट डाउन कर लिया हमने। आगे क्या दिया है हमें, द वन हु हैज 5 चॉकलेट्स सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डी हमारे पास बेस में है, पॉसिबिलिटीज के लिए सोचा जा सकता है। जिसके पास 5 चॉकलेट्स है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अब डी का इमीडिएट लेफ्ट कंसीडर करने के लिए डी का फेसिंग पता होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर लोग अंदर बाहर दोनों तरफ देख रहे थे, ओके, तो डी अंदर भी देख सकता है बाहर भी देख सकता है, दोनों केसेस कंसीडर करेंगे। पहले केस में कंसीडर करते हैं डी बाहर की तरफ फेस कर रहा है, दूसरे केस में कंसीडर करते हैं डी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। डी 2 फेस कर रहा है अंदर की तरफ, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, वो जिसके पास 5 चॉकलेट्स हैं। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, वो जिसके पास 5 चॉकलेट्स हैं। 5 चॉकलेट्स है किसके पास, हमारे पास क्लियर है यहां पर, 5 चॉकलेट किसके पास है, ए के पास, तो यहां पर कौन आना चाहिए था, ए, यहां पर कौन आना चाहिए था, ए, ठीक है। जैसे ही 5 दिखा, एक कंडीशन दिमाग में क्लिक होनी चाहिए थी, यहां पर एक कंडीशन है हमारे पास, 1 और 5 के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 5 यहां पर है तो 2 यहां से छोड़ो या यहां से छोड़ो, 1 वाला पर्सन यहीं पे आना चाहिए, है ना, 5 यहां पर है, 2 यहां से छोड़े या फिर यहां से छोड़े, 1 चॉकलेट वाला पर्सन यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। अभी और कुछ रिलेट हो रहा है क्या, फिलहाल कुछ रिलेट नहीं हो रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डी के पास 2 यहां पे लिख तो लिया है, ओके, चलो। हाँ, अब देखो क्या दिया है, सी सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 2 चॉकलेट्स। सी उसके तीसरे लेफ्ट में बैठता है जिसके पास 2 चॉकलेट्स हैं। 2 चॉकलेट्स यहां पर है, इसके तीसरे लेफ्ट में कौन होना चाहिए था, सी, इसका लेफ्ट पहला दूसरा और तीसरा लेफ्ट, यहां पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। 2 चॉकलेट किसके पास है, डी के पास, इसके तीसरे लेफ्ट में सी चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा लेफ्ट सी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, और दोनों भी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अपोजिट, यानी 2 वाला अंदर देख रहा है तो सी वाला कहां पर देखना चाहिए, बाहर, सी, 2 के तीसरे लेफ्ट में सी, और दोनों का फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट, तो ये अंदर है तो ये ऑब्वियसली कहां होना चाहिए, बाहर, यहां पर देखते हैं, ठीक है। डी वाला कहां देख रहा है, बाहर की तरफ, तो सी कहां फेस करेगा, अंदर की तरफ, ओके। अब देखो यहां पर जितने भी इंफॉर्मेशन दी थी रिलेट कर दी है, आखिरी लाइन बची थी हमारे पास, ई फेसेस द सेंटर, ई है क्या हमारे पास, ओके, ई यहां पर है तो यहां पे पॉइंट नोट डाउन कर लिया, ई की फेसिंग डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, ठीक, सारी चीजें रिलेट हो गई। सर स्लाइड हटाना, स्लाइड हटाना, ठीक है, सारी चीजें रिलेट हो गई। अब यहां से हमें पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है। ए यहां पर हमारे पास है, हमें पता है ए और ई नेबर होने चाहिए थे, ठीक है। ए यहां पर है, ए का नेबर ई यहां तो नहीं हो सकता, तो ई कहां पे लेना पड़ेगा हमें, कंपलसरी यहां पे लेना पड़ेगा,
ई की फेसिंग डायरेक्शन पता है हमें, ई की फेसिंग डायरेक्शन पता है हमें, कहाँ देख रहा है ई, अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी ए और ई नेबर, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई को कंसिडर करेंगे, यहाँ पर फेस कहाँ कर रहा है, अंदर की तरफ, यूटिलाइज कर लिया। अभी ई और बी अपोजिट देख रहे हैं, यूज करना बाकी है। सी और एफ में एक पर्सन का गैप होना चाहिए। सी हमारे पास यहां पर है, एक का गैप छोड़कर एफ यहां नहीं आ सकता, एक का गैप छोड़कर एफ कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ठीक है। और दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, सेम, सी बाहर देख रहा है, एफ को भी बाहर ही देखना चाहिए, ठीक है। अब सी और एफ के बीच में एक का गैप चाहिए था, एक का गैप छोड़कर एफ यहां नहीं आएगा, एफ का एक का गैप छोड़कर एफ यहां पर, सी और एफ दोनों की फेसिंग डायरेक्शन सेम, ओके। चलो अब ये इंफॉर्मेशन हमने रिलेट कर दी है, ठीक है। एक और पांच की फेसिंग डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, पर कौन सी ले फिलहाल हमें पता नहीं है। कितने लोग बैठे हैं, छह लोगों की टेबल पर पांच लोग बैठे हैं, एक ही पर्सन बचा हुआ है, कौन, बी, बी आ जाएगा यहां पर, एक ही बचा है, बी, बी आ जाएगा यहां पर, ठीक है। बी और ई का फेसिंग डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था, ठीक है। ई अंदर देख रहा है, बी को कहाँ देखना चाहिए, बाहर की तरफ। ई अंदर देख रहा है, बी को कहाँ देखना चाहिए, बाहर की तरफ। बी के पास कितने चॉकलेट्स है, एक चॉकलेट्स, ठीक है। ई फाइनल हो गया, ई के पास कितने चॉकलेट्स थे हमें पता है, ई के पास 50 चॉकलेट है, ठीक है। ई के पास 50 चॉकलेट है, ठीक है। सी के पास अभी हमें पता नहीं है, एफ के पास चॉकलेट का काउंट पता है, एफ के पास कितने चॉकलेट्स है, 10। एफ के पास कितने चॉकलेट्स है, 10, ठीक है। अभी सारे चॉकलेट्स का काउंट हो गया, एक ही काउंट बचा है, कौन सा, 100, ठीक है। यहां पर सारे चॉकलेट्स का काउंट बचा है, एक ही चॉकलेट का काउंट बचा है, 100। तो 100 चॉकलेट्स किसके पास आ जाएंगे, सी के पास, ठीक है। अब तक यहां पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। अब देखो, एक हमें इसकी फेसिंग डायरेक्शन पता करनी बाकी है। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट है क्या, जिनके पास एक और पांच चॉकलेट्स है उनका फेसिंग डायरेक्शन सेम होना चाहिए था। एक वाला भी कहां देख रहा है, बाहर की तरफ, तो पांच वाला ए भी कहां देखना चाहिए था, बाहर की तरफ, ठीक है। एक चॉकलेट किसके पास है, बी, बी कहां देख रहा है, बाहर की तरफ, तो पांच वाला ए भी कहां होना चाहिए था, बाहर की तरफ। एक कंडीशन यहां पर थी हमारे पास, एक और 100 चॉकलेट वाले की फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए थी। इसमें एक चॉकलेट वाला देख रहा है बाहर, इसमें 100 चॉकलेट्स वाला देख रहा है बाहर, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो ये केस हमारी क्या हो जाएगी, गलत। यहां पर देखते हैं, एक वाला फेस कर रहा है बाहर, 100 वाला फेस कर रहा है अंदर, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। क्लियर है सबको? चलो जल्दी से बताओ, क्या पजल का डिस्कशन सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, कैसे हम सारी चीज़ें टैकल कर सकते थे, ठीक है। पजल आसान कहाँ से हुई, ये वाले कैलकुलेशन से आसान हुई पजल, ठीक है। सिटिंग ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं इसमें, ओके। बट यहाँ पर अगर हम क्लिक कर जाते सारी चीज़ें सही से, दो केसेस में आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। पजल सारी की सारी ये ट्रिकी थी। क्लियर हो गया सबको? मेघा जी डिट्टो, ग्रेट, ओके, सेम सेम, स्पाइडी ग्रेट, नाइस क्वेश्चंस, या ग्रेट, शुभांगी जी ग्रेट, सेम, जिनको भी आंसर, हाँ प्री लेवल नहीं है ये प्री वाला लेवल बिल्कुल भी नहीं है, इस लेवल के क्वेश्चन प्री में बिल्कुल नहीं आएंगे, घबराओ मत। मैंने आपको एक चीज कही थी, अगर हमें सिलेक्शन पाना है और ऑफिसर बनना है तो सारे लेवल के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, ठीक है। मेंस में ये मॉडरेट लेवल की पजल है, इजी टू मॉडरेट लेवल की पजल मेंस के लिए है ये, ठीक है। प्रीलिम में अगर आएगी तो सुपर डुपर, मतलब वो पजल डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रीलिम में अगर ये पजल आती है तो उस इस पजल को बहुत डिफिकल्ट माना जाएगा, ओके। पर मेंस में अगर यही पजल आएगी तो इसको हम इजी तो नहीं कह सकते, बट मॉडरेट के आसपास लेवल कह सकते हैं मेंस के लिए, ओके। हाँ चलो, तो ये ट्रायंगुलर पजल, यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। बस ट्रायंगल का शेप नया है, बट अगर स्क्वायर रेक्टेंगल हमने पहले हैंडल किए हुए हैं तो ट्रायंगल में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें, ओके। यस, प्री प्लस मेंस, पहला वाला पजल हमारा प्री का था, ये वाला जो पजल है हमारा मेंस लेवल का था,
ठीक है, चलो। तो मैं ये बता रहा था कि चीज़ों का बेसिक अच्छे से समझो। पजल में कितने भी वेरिएशंस करने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पजल्स में कितने भी वेरिएशंस करने दो, अगर हमें जो डेटा कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में दिया है उसको अच्छे से समझ में आता है और उसको डिसिप्लिन्ड वे में हम हैंडल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई भी टाइप की पजल डिफिकल्ट होगी। ठीक है, क्या चाहिए हमारे पास? कुछ क्वालिटीज चाहिए जिनके चलते हम पजल्स पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं। क्वालिटीज कौन सी है? घुमाई हुई इंफॉर्मेशन को शांत रख के, दिमाग को शांत रख के समझो और उतने ही डिसिप्लिन्ड वे में उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करो। ठीक है, पजल में मास्टर बनना है मतलब बस ये दो क्वालिटीज डेवलप करनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पजल के मास्टर्स बन गए। ठीक है, चलो पीडीएफ आने वाले सेशन से मैं आपको दे दूंगा। आज के सेशन के तो पीडीएफ नहीं है यहाँ पर, बट आने वाले सेशंस में मैं ज़रूर आपके लिए पीडीएफ भी दे दूंगा जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। जिन्होंने अब तक सेशन लाइक नहीं किया है, जल्दी से सेशन लाइक करो और अपने अटेंडेंस मार्क कर दो। जो भी लोग पहली ही बार देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लेट से आए हैं, ठीक है, तो लेट मत करना। डेली 11:30 AM हमारा सेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सारे लोग क्या करते हैं, डेली 11:30 AM रीजनिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेशन में टाइम पर आ जाइएगा। हम सारी चीज़ें यहाँ पर, जितने भी एस्पेक्ट्स है एग्जाम में ट्विस्ट की जा सकती है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पर। आप में से जिन्होंने भी सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपको पता नहीं था आपको बाद में पता चला, वैसे ही आपके कुछ दोस्त होंगे तो सबको इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए सेशन को शेयर करना मत भूलो। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे कल के सेशन में, जहाँ पर एक अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल हम कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके, गणेश गुप्ता जी, ग्रेट, जैसे आपका खुल गया है, आई होप बाकी लोगों को भी आप मदद करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।